पावन अपनी हाथ उठे, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रे न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंद जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों तथा धार्मिक भाइयों, बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक इन दिनों भगवान जी द्वारा विस्तार पूर्वक बताए जा रहे दिव्य गुणों का वर्णन सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं और अपने पर पूरा भरोसा भी रखती हैं कि इसके साथ पूरा पूरा हम न्याय करेंगे। सुनना सार्थक भी तब होता है जब महाराज जी के उपदेश के अनुसार अपने अंतःकरण को ढाल लिया जाए, बना लिया जाए, एक नई मोड़ भगवान जी के अनुसार दे दी जाए। कई गुणों पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया। कल हमने ये बड़ा निराला गुण था जिस पर विचार हुआ, उदासीन, अर्थात जो मन और बुद्धि को संसारिकता से ऊपर ले जा चुका है, अर्थात जिसके मन का स्तर बुद्धि समेत बहुत ऊंचा हो चुका है। एक साधारण और सामान्य जीव का स्तर मेरे सज्जनों मेरी देवियों केवल खाने पीने बच्चे बनाने पालने तक की है, लेकिन महाराज जी जिनका जिक्र कर रहे हैं वो उनके प्यारों का है जो अपना स्तर इससे ऊंचा बना चुके हैं। जैसे हम समाज में देखती हैं पढ़ाई के तीन चार स्तर हैं, प्राइमरी, मिडिल, हाई और कॉलेज। इसी प्रकार यहां भी मन के चार पांच स्तर हैं, समय नहीं मैं एक एक को लूं। जिस स्तर की ये बात हो रही है, ये स्तर कैसा है, ये गुण अतीत का स्तर है। तीन गुणों में हम सब घूम रहे हैं, किसी में रजोगुण की प्रधानता, किसी में तमोगुण की प्रधानता, आप जैसे नेक जीव जिनमें सत्वगुण की प्रधानता। सत्वगुण की प्रधानता में प्रचुरता होने से मन अपना भगवान में लगता है, कल्याण में लगता है। देखियो हम असाधारण तौर पर विचार करने के आदि बन जाती है, जहान की तरह नहीं कि जैसे वो कर रहे हैं अंधाधुंध उसी तरह किए जाओ, कदापि नहीं। हम आजादी से सोचती हैं और उसके परिणाम पर जंप लेते हैं। करने को तो मैं जा रही हूं पर इसका परिणाम क्या होगा, तो हम लोग संसारी आदमी की तरह चट मेरी मंगनी ते पट मेरा ब्याह इस तरह नहीं करते, बिना सोचे समझे किसी काम में छलांग नहीं मारते, बल्कि भली प्रकार उसके परिणाम को देखकर फूंक फूंक के कदम रखते हैं। ऐसे जीवों को मेरी देवियों सज्जनों विचारशील कहा जाता है। विचारशील इस जहान में दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, वरना सब नक्कालची बंदर की तरह अंधाधुंध नकर करने वाले, चाहे बाद में उनको कितना खून के आंसू बहाने पड़े वो उसको गवारा कर लेंगे लेकिन सोचेंगे नहीं। आप पर तो गिरधर कवि राय की वो कुंडली चरितार्थ हो रही है।
सोच के समझ के जुटना लगना, और संसारी आदमी बिना विचारे वो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो तंसा, बड़े बाद में उनका अनादर हो, उनको पश्चाताप करना पड़े, लेकिन विचार नहीं करेंगे। अच्छा मेरे दिव्य सज्जनों आगे बढ़े, इस गुण की अब और प्रेरणा नहीं दे रहे प्रभु, आगे बढ़ेंगे। अगला गुण बहुत ही निराला गुण है, ये हमारी अब की नहीं जन्मों की मांग है। अगर आप जन्मों को आवागमन को मानते हैं तो, नहीं मानते तो इसी जन्म में अनेक वर्षों की मांग है। क्या? गत व्यथा, गत मैंने चली गई, व्यथा मैंने क्लेश मुसीबतें अड़चने दुख इत्यादि, जिनके क्लेश चले गए अर्थात जो निश्चिंत हो गए, अंग्रेजी में समझ लो आप केयर फ्री, केयर मैंने चिंता, फ्री मैंने आजाद, जो चिंताओं से बिल्कुल आजाद हो गया। एक बार तो सुन करके हमारा उत्साह बहुत बढ़ जाता है, लेकिन फिर यह अपने पर शक आता है, ऐसी अवस्था बन जाएगी, हम सचमुच केयर फ्री हो जाएंगे, हम निश्चिंत हो जाएंगे नाना प्रकार के क्लेशों मुसीबतों दुखों से, क्या मेरा हमारा अंतःकरण आजाद हो जाएगा, एंड नॉट टेम्पोरेरली बट परमानेंटली। हां कोई और कहता तो आप शक करते, पर ये तो आपके परमपिता नारायण भगवान जी खुद अपने श्रीमुख से फरमा रहे गए, इसलिए आप सबको पूरा विश्वास करना चाहिए, और ये संभव भी है, वरना भगवान कभी भी अपने मुख से न कहते। ये गुण भी अपनी बुक्कत कदर इंपॉर्टेंस रखता है। पहले हम समझें, गत व्यथा तो बड़ी दूर की बात हुई, कि उनके सारे क्लेश चले गए, मुसीबतें चली गई। अच्छा जी पहले समझे, क्लेश कहते किसी ने, दुख कहते किसी ने, अनेक नाम रखे हैं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बड़ी क्लेश में हूं, मेरा मन बड़े हलचल में है, बड़ी भटकन में है इत्यादि, कई शब्द हम अपने मानसिक भावों को प्रकट करने के लिए लगा देते हैं। पहले ये समझे एक क्लेश क्या होती है, ध्यान से आप मेरे साथ एकाग्र हो जाना, देवी बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक, हमारे उच्च कोटि के भारतीय तपस्वियों महर्षियों ने घोर तप करके हमें इसकी परिभाषा बताई, दुख किसे कहते हैं, क्लेश किसे कहती है, मुसीबतें किसे कहती है, सुनिए क्या सुंदर परिभाषा दी है, इसकी डेफिनेशन भी क्या कमाल की है, जो जहान में जहां भी इंसान रहती है सब पे लागू हो जाएगी। क्या कहा? अपने मन के अनुकूल, अकॉर्डिंग टू आवर स्वीट विल, अपने मन के मुताबिक किसी बात का घटना का न होना दुख है। दिस इज यूनिवर्सल डेफिनेशन एंड एप्लीकेबल एवरीवेयर, ध्यान देना दीदियो, अपने मन के मुताबिक किसी घटना का ना घटना, अर्थात हम नहीं चाहते थे ऐसा हो जाए, तो इसकी प्रतिक्रिया क्लेश मुसीबतें रोना बेचैनी बेकरारी, लेकिन ये कोई नहीं सोचता, रो भी लेंगे पेट भी लेंगे, भगवान को शिकवा भी दे देंगे, शायद आत्महत्या भी कर लेंगे, लेकिन आजादी से कोई नहीं सोचता कि जो मैं कहती हूं ऐसा क्यों हो गया, ये किस जहान में कह रही हूं, मृत्यु लोक में, और मृत्यु इस सारे लोक का स्वभाव क्या है, हर एक का अपना अपना स्वभाव है, आप घर में दो तीन बहने हैं हर एक का अपना अपना स्वभाव, आपके दो भाई हैं हर एक दोनों का स्वभाव नहीं मिलता, आपने मां बाप को देख लो दोनों का स्वभाव नहीं मिलता है, आपके अनेक रिश्तेदार है एक स्वभाव एक से मेल नहीं खाता, आपके गली में 10-12 या ज्यादा पड़ोसी हैं एक एक से नहीं मिलता, जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, भगवान ने वैरायटी बनाई है संसार के अंदर, नाना प्रकार के जीव जंतु, नाना प्रकार के
स्वभाव नेचर कोई अंत नहीं। अब और ये भिन्नता है कहां संसार के अंदर, और संसार कैसा, मृत्यु लोक, ऊपर के देव लोक हमारे पैरों को तले है पाताल लोक। और मृत्यु लोक में क्या होता है, बात बात में परिवर्तन, एकाग्र रहना मेरी देवियों मेरे सजनों, या बात बात में परिवर्तन होता है। अभी सूर्य उदय हो रहा था, धीरे धीरे करके दोपहर हुई, अभी मुश्किल से पौने दो या डेढ़ बजा था कि आकाश का रंग क्या हो गया, धूल भरी आंधी शुरू हुई, हवा बड़े जोर से बादल लाई, मिट्टी पता नहीं कहां चली गई, बादलों ने रिम झिम करके हमारे ढाई तीन महीनों के शिकवे दूर करने शुरू किए। प्रकृति ढाई महीनों से अग्नि उगड़ रही थी, हवा कितनी तेज थी, यानी लू कितनी तेज थी, कितनी गर्म थी, एकदम पासा पलट के रख दिया। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी सारी रात पड़ी है और आगे दिन तो खैर मानसून आए के आए, ये तो आपको बताने आए हैं कि मानसून पीछे आ रहे हैं, हम केवल सूचना देने आए हैं। तो इस संसार के अंदर जब जब से आपने होश संभाली है सजनों और मेरी देवियों, और आज तक कितनी परिवर्तन आपने देखे, इस संसार का दूसरा नाम ही परिवर्तन है, तब्दीली का नाम संसार है। हम जिसे अंग्रेज में वर्ल्ड कहेंगे उसको चेंज कहिए। अगर ये पता लग जाए, पर ये बताता कोई नहीं, हम भी बैठ के सोचते नहीं, इसकी गहराई में नहीं उतरते कि जिसे संसार कहा जाता है उसका मतलब है तब्दीली, जिसे परिवार कहा जाता है उसका मतलब तब्दीली, जिसे गली मोहल्ला कहा जाता है उसका मतलब परिवर्तन, जिसे शरीर कहा जाता है उसका मतलब परिवर्तन, जिसे मन कहा जाता है उसका मतलब परिवर्तन, जिसे बुद्धि कहा जाता है उसका मतलब परिवर्तन है। एवरी व्यार चेंज चेंज चेंज, लाख पिट मरे कोई, हजारों ने आत्महत्या कर ली भगवान के खिलाफ, तो भगवान का मन क्या बदला, या क्या नियम बदल गए प्रकृति के, नहीं। हजारे मेरी बेटियां आत्महत्या कर गई भगवान के खिलाफ, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, भगवान ने वैसा क्यों कर दिया, आत्महत्या इसी दुर्दशा पर होती है। मेरे उल्ट क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, लेकिन भगवान ने एक बार नियम बना दिए सृष्टि के अंदर जी, युग बदल जाए, सतयुग बाद चेता द्वापर कलयुग मेरी देवियों आ जाए, लेकिन नियम जीव के तू है, नियमों में कोई अंतर नहीं आना। आप जैसे नेक जीव जिन्होंने बहुत दुख पाए गए, प्रकृति के इस अटल नियम को जान जाती है और शांत हो जाती है कि या तो ऐसा होना ही है, इसको जानिए, रजोगुणी तमोगुणी ऐसा नहीं जानते, जलील भी हो रहे हैं, खराब भी हो रहे हैं, बर्बाद भी हो रहे हैं, बेचैन भी हो रहे हैं, बेकरार भी हो रहे हैं, आत्महत्याएं भी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानती कि हम संसार से क्या उम्मीद रखती हैं, ऐसा क्यों हो गया, इसका तो स्वभाव है, बात बात में परिवर्तन होना है, क्यों, क्योंकि भगवान परिवर्तन करके आप उनको शिक्षा देती हैं और नए प्राणियों के लिए जगह तैयार करती हैं। मेरे से सुनो, क्यों परिवर्तन होता है, आपको सियाना बनाने के लिए, सियाना बनाने के लिए और नए जीवों को जगह देने के लिए, क्योंकि नए जीव भी तो आ रहे हैं पूरी रफ्तार के साथ, और आपकी बुद्धि और मन और तन का विकास कैसे होगा अगर परिवर्तन ना हो मेरी देवियों, डेवलपमेंट हो रही है ऑन एवरी स्टेप, आप देख रही हैं प्रकृति में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जोरदार काम कर रहा है, परिवर्तन जोरदार काम कर रहा है, अर्थात विकासवाद का नियम खूब थोक के भाव चारों ओर दिखाई देगा। अच्छा, और ये चलता ही चला जाएगा, इस बात पर एकांत में बैठकर और भी विचार कर लेना, और भी सोच लेना कि संसार में परिवर्तन जरूर होगा, किसी को गवारा हो या ना हो,
किसी के अनुकूल हो या ना हो, कोई से फेवरेबल कहे या अनफेवरेबल कहे, कोई प्लेजेंट कहे या अनप्लेजेंट कहे, किसी को प्रिय हो या अप्रिय हो, परिवर्तन होकर रहेगा। तो आप जैसे क्या हो जाती है, जो कल भगवान ने बताया था, क्या उदासीन, अर्थात अपने मन के स्तर को ऊंचा बना लेती है, अपने आप को उठा लेंगे किन से, प्राणी पदार्थों से, भाई इनमें तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। और अनुकूलता प्रतिकूलता का भाव गौर से सुनना, आप निकाल देंगे। ये मन का भुलेवा है, जो आज अनुकूलता है वो बनी रहे तो बाकी अनुकूलता है, अरे जो आज प्रतिकूलता है ये बनी रहे तब तो हम कहेंगे प्रतिकूलता है, पर अगर थोड़े दिनों बाद ये बदल जाए तो व्हाट ए फन ऑफ अनुकूलता एंड प्रतिकूलता, व्हाट ए फन ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। या तो एक बनी रहे, वो तो चंद्र के बाद बन जाती है। इसलिए दाना कहां इससे कुछ काम है, दाना आदमी अनुकूलता प्रतिकूलता प्रिय अप्रिय समझते ही नहीं। कई बार आप श्रीमान के साथ तू तो मैं हुई, थोड़ी देर बाद फिर आप मिल गए, घुल मिल गए, दो बहनें लड़ पड़ती हैं घुल मिल गई, दो भाई लड़ पड़ते हैं घुल मिल गए, वो लड़ाई नहीं समझी जाती। लड़ाई तो ये होना पर हमेशा के लिए खत्म हो जाए, पहले कैरियो पांडियों की तरह एक धरती पे रहे और एक इस धरती से चला जाए। ये थोड़ी देर के लिए, जैसे पानी पे लकीरें पड़ गई या धरती मिट्टी पर आपने लकीरें डाली, फिर वायु का झोंका है लकीरें मिट गई। ये दाना आदमी जो साधारण तौर पर आपकी तरह विचार करना जान गए गए, वो मन में रखते ही नहीं अनुकूल प्रतिकूल क्या होता है। ये एक बड़ा भारी धोखा दे, अनुकूलता होती है तो हम उसके साथ राग कर लेती है, और कोई हमारे प्रतिकूल होता तो हम द्वेष कर लेती है। लेकिन चंद्र को बाद देखते कि जिसको मैं अनुकूल समझता था ये तो अनुकूल नहीं रहे, अपना शरीर अपने अनुकूल नहीं रहता, अपने विचार अपने अनुकूल नहीं रहते, अपने इरादे अपने अनुकूल नहीं रहते, अपनी सगी बहन शादी के बाद हाय मैं क्या बकवास कर रहा हूं अपने अनुकूल नहीं रहती, अपना सगा भाई रियल ब्रदर शादी के बाद क्या हो जाता है, उसको कौन सा कुत्ता सूंघ जाता है बड़े भाई को या छोटे भाई को, कितना अंतरिंग में आ जाता है। एक दूसरे दोस्त जान देते थे, शादी के बाद वो रही नहीं, कितने आप कुर्बान होते थे, कितना अंतर आ जाता है। आपके अंबाला में देख लो कितना बड़ा अंतर आ गया है, अभी चंद दिनों के बाद और देखना बड़ा भारी अंतर आपके अंबाला में। तो ये अंतर तो आता रहेगा, और सारे आदमी इससे अपना मन उठा ले कि ये तो होना ही है, ये तो बनना ही है। कोई कहे सदा दिन बना रहा है, कहे बड़ा मूर्ख है, नहीं दिन के बाद रात, चोर उचक्के राजन कहे कि रात ही बनी रहे कभी भी नहीं। हम कहेंगे ये बड़ी नहीं शराब पी रहे, क्योंकि मूर्ख हमेशा भी कभी रात रहती है, या आप सारे कहेंगे एक ही जबान से हमेशा भी कभी दिन रहता है। उल्लू का वास चले तो कभी भी दिन ना आने दे, और कौए का वास चले तो कभी रात ना आने दे। एक को दिन को नजर आता है तो रात को नहीं है, एक को रात को नजर आता है तो दिन को नहीं, पर इनका वास चले तो सृष्टि कैसे चले। बेटे भगवान ने सृष्टि चलानी है अपने अटल नियमों के आधार पर, मैं एक शब्द लगा रहा हूं अटल, इनएविटेबल अनअवॉइडेबल, जो अवॉइड नहीं किया जा सकते, अटल में जो टाले नहीं जा सकते, उन नियमों को प्रकट कर रही है भगवान की अत्यंत अनुपम मधुर एवं कल्याणकारिणी अमर वाणी। वाणी का मतलब ही यही है, उनको हमें बता देना और हमें मना लेना, और हम मान के से अपने मन में रख लेती हैं, संसार से मानो प्रारंभ हो जाता है कि इस पर क्या दिन लगाऊं, आज ये इस प्रकार है कल इसने यूं हो जाना है। हम संसारी आदमी पर क्या दिल लगाए, या तो हमारे अनुकूल रहे, अनुकूल नहीं रह सकते ना, माँ बाप हमारे साथ बने रहे नहीं, पहले पिता ही चले गए, लो मां भी चली गई है, अनुकूल तो ये सेहत नहीं रहती हमारी अनुकूल कोई भी चीज तो उनको। इसलिए दाना आदमी विचारशील कल्याणकामी जीव दुनिया में रहते तो है पर दुनिया में मन लगा के नहीं रहते। सुनो मेरे भगवान की बात, सुनो री सुनो, जिसने सृष्टि बनाई है प्रभु क्या कह रहे हैं, दाना कहां इससे कुछ काम है। दाना आदमी नहीं मन लगाएगा, वो कहते मन लगाने का मजा तब आए कि जिसके साथ मन लगाया वो मेरे मुताबिक रहे,
खरी खरी बातें भगवान की सुन लो, खरी खरी बातें। मैं तो कहता हूं संसार में अगर खरी बातें हैं तो भगवान की है, बाकी सब खोटी बातें हैं। चाहे अपने मां के साथ की, पिताजी के साथ की, बहन के साथ, खोटी बातें ऐसी हैं कि वो एक जैसी रहती हैं। अभी अगर किसी के साथ बात करके आए हो, 10 दिनों के बाद देख रहा वो ऐसी बात नहीं रहेगी। खरी बातें तो भगवान की है, हमेशा ऐसी रहेगी। 5,500 वर्ष गुजर गए भगवान की वाणी को प्रगट हुए, मजाले इसमें जरा भी अंतर आ गया हो। 5,500 वर्ष भगवान की वाणी को प्रगट हुए, यानी महाभारत का युद्ध हुए, इसमें जरा भर भी अंतर नहीं आया। अंतर आ सकता ही नहीं, क्योंकि गीता का उपदेश सत्यता पर आश्रित है। बेस्ड ऑन ट्रुथ, इट इज बेस्ड ऑन ट्रुथ। और ट्रुथ में कभी तब्दीली नहीं आती, तब्दीली आती तो ट्रुथ ही कैसा। अगर ट्रुथ में परिवर्तन आ गया हो मेरी भगवती, तो उसे सच्चाई कौन कहेगा। सच्चाई तो वो होती जो हमेशा रहे। तो जैसे मैं कह रहा था, कोई कहे दिन हमेशा रहे या रात हमेशा नहीं रह सकती, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, इसके बाद इसमें परिवर्तन आएगा। कभी पतझड़ आती है, कभी मौसमी बहार आती है। हाँ, हम तो मौसमी बहार ही रहे बुद्धू आदमी ना, ये तो भगवान का अटल नियम है। हमारे देश में 2-2 महीने का एक मौसम है, 6 ऋतुएं हैं हमारे देश में, और दुनिया में किसी की भी देश में 6 ऋतुएं नहीं है, हमारे देश में 6 ऋतुएं हैं। क्या कहनी, हम लाभ उठा लेते हैं 2-2 महीने का। इसलिए आपके देश में प्राय हर उपज मिलती है, हर खाने पीने की चीजें आपके देश में मिल जाएंगी, बाकी देशों में 6 ऋतुएं है ही नहीं। गुड, जितनी खाने आपके देश में है इतनी खाने कहीं भी नहीं है। अगर मेरे भगवान गवर्नमेंट को और बुद्धि दे और इन खानों का लाभ उठाए, तो इन खानों से उन्नति कर जाए तो शाबाश। लेकिन इन सब में क्या है परिवर्तन, ये बात मन में रख लेना। अगर नहीं रखी पहले, रख ली तो मत बैठर, नहीं तो अब रख लीजिएगा। क्या मनवा जरा होशियार हो जाओ, आप सारे पढ़े लिखे हैं, अपनी पढ़ाई का यूं लाभ उठाइए कि जिस संसार में मैं और आप चंद दिनों के लिए पैदा हुए हैं, उस संसार ने सदा एक जैसा नहीं रहना। जो शरीर भगवान ने हमें दिया है, इससे सदा एक जैसा ही रहना। हमारे देखते ही देखते क्या बालकपना बदल गया, किसमें, जवानी में, जवानी प्रौढ़ावस्था में, प्रौढ़ावस्था बुढ़ापे में, देखते देखते आपने अपने घर में देखा मां जी को, पिताजी को, चाचे को, ताए को, अपने शरीर को देख रहे थे, कहां था आपका शरीर और कहां गया, मां बनने के बाद कहां गया, पहले बच्चे में कहां गया, दूसरे बच्चे में कहां गया, कितना परिवर्तन आपके शरीर में आ गया। बकरी बांध के आपकी शादी हमने की थी बकरी की तरह, और अब क्या हो, अब तो बिल्कुल मैं भैंस बन गई हूं, इतनी मोटी हवा भर गई मेरे शरीर में। कितना परिवर्तन आपने, कोई कपड़ा नहीं पूरा आता आपको, सब कपड़े आपको छोटी बहन को देने पड़े। कहां आपका शरीर बल्कि बन गई मोटी डबल रोटी, मोटी डबल रोटी। और पहले क्या थी, फुलका जो घर का होता है, फोलमा फुलका जैसे बीमारों को दिया जाता है, पतली सी। कितना अंतर शरीर में, कितना अंतर, पहचानी भी नहीं जाते आप। तो दाना आदमी विचारशील संसार पे मन नहीं लगाते। मैं बार बार कह रहा हूं, जिन्हें 4 दिन भक्ति में काट जाने हैं, भक्ति किसने करनी है, हमारे किसी अंग ने नहीं करनी। सुनो ओ मेरी कल्याण कर्म देवी हो, हमारे पास 10 अंग हैं, ये बाहर अगर गिने जाए ऊपर से नीचे तक तो 10 अंग है, 5 ज्ञान इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां, इन्हों तो भक्ति नहीं करनी, तो मन ने करनी है भक्ति, जिसको हम विचारों का पुतला कहते हैं। शरीर हमारा है हार मास चाम का पुतला या 10 अंगों का पुतला, और मन है विचारों को, इसी ने भक्ति करनी है। भक्ति का मतलब भगवान से प्रेम करना। क्यों आप भगवान से प्रेम करें, हम अपने मां बाप से कर रहे हैं बस एनफ। आजकल के बच्चे मेरे जैसों पर बड़ा भारी अटैक करती हैं। अच्छा, आज की पढ़ी लिखी बेटियां जितना उनका वस चलता है, हाँ बहुत अटैक करती हैं, पूरा हमला करेंगी। हम अपने मां बाप के साथ नहीं कर रहे प्यार, हम अपनी बहन भाई के साथ प्यार प्रेम नहीं कर रहे, हम अपने पति के साथ नहीं करते, पत्नी के साथ नहीं करते, बाल बच्चों के साथ नहीं करते, फिर भगवान के साथ क्यों करें। वेरी गुड, सुनिए जरा बात, क्योंकि मैंने कहा प्रेम का नाम ही भक्ति है, तो क्यों भगवान के साथ प्रेम का जो नजर ही नहीं आता, पहले अनुभव ही नहीं होता, हम रोते रहते हैं तो भी नहीं उसका मन पसीजता, तो ऐसे बेरहम
और कठोर और पत्थर दिल भगवान के साथ क्यों हम प्यार करें? ये मेरी एक बहन ने मुझे अच्छे शब्दों से मेरी इज्जत की, ऐसे तेरे भगवान के साथ को हम क्या करें? ठीक कह रही बेटी, और भी कुछ कहना है? और भी कह ले मेरे बच्चे। नहीं बस मुझे यही कहना है। ठीक है, राइट यू आर। पहले मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मां जी के साथ किया तो पिता जी के साथ क्यों प्यार किया? भले ये प्रश्न आपको बड़ा विलक्षण प्रतीत हो। अच्छा, इन दोनों के साथ किया तो बहन भाई के साथ क्यों किया? अच्छा, अगर अपना खून समय के सारे परिवार के साथ किया तो फिर एक प्राय पुत्र को पति बना के क्यों किया? एक प्राय पली पलासी हुई लड़की के साथ पत्नी समझ के क्यों प्यार किया? अच्छा, फिर दोनों का प्यार बना रहता तो आगे औलाद क्यों पैदा की? अगर औलाद पैदा की तो इतनी लड़कियां क्यों बना डाले? ये मन क्या धोखा दे रहा है? आगे 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 कितनों के साथ हम प्यार करते हैं? ये मन है ये लोफर, ये मन है ये शरारती, ये मन है ये आवारा कुत्ता, ये मन है ये आवारा पशु है? आओ भगवान क्या कहती है, जब मन को किसी से पूरी तृप्ति नहीं होती तो कुत्ते की तरह दूसरे दरवाजे पर जा खड़ा होता। आपके घर पे पहले आया, आप कंजूस है, एक्सक्यूज मी, आपने उसका पेट क्यों नहीं भर दिया? आपने उसे आधा फुलका या फुलका दिया, उस बेचारे का पेट नहीं भरा, दूसरे दरवाजे पर जाएगा, तीसरे पर जाएगा। या तो आप सियाणी बनती, चार पांच मोटे मोटे तवे जितने मोटे और तवे जितने चौड़े लंबे फुलके पका के उसके सपोर्ट कर देती, बड़ी दुआएं मिलती। इसलिए कुत्ते को दरवेश बोलती है, दरवेश मैंने महात्मा। जितना आप दे दोगे हाथ जोड़ देगा, मुझ से थैंक यू कर देगा, कुछ उसने कहना नहीं कि मुझे और दो। अगर आपने कंडल तोड़ के दे दिए तो कंडल ले लेगा, अगर आपने बासी रात के दे दिए उसने ये नहीं कहना बासी है, उसने तो उसको अमृत समझ के ले लेगा। इसे दरवेश कहा जाता, ही सेटिस्फाइड इन एवरी रिस्पेक्ट। तो क्यों जाता है तीसरे चौथे घर में? वो पेट भरवा भोजन कोई भी नहीं दे रहा, तो मन हमारा क्यों मां बाप बहन भाई पति पत्नी औरों के साथ इसकी तृप्ति नहीं होती? सुनिए, पूरी इसकी कंटेंटमेंट या सेटिस्फेक्शन नहीं होती। बड़ा ध्यान से सुनना, गीता आपको क्या बताती है? गीता पन्नों का नाम नहीं, वर्कों का नाम नहीं, गीता एक उच्च कोटि की भारतीय फिलॉसफी है, भारतीय साइकोलॉजी है, इंडियन साइकोलॉजी एंड इंडियन फिलॉसफी। ये आपको यहीं से पकड़ लेती है कि जगह जगह क्यों मन जा रहा है। पहले से तृप्ति नहीं हुई ना, इसलिए तृप्ति की उम्मीद रख के आगे फिर आगे फिर आगे। लेकिन संसार के प्राणी पदार्थ तृप्ति नहीं दे सकते, भगवान ने इन्हें अधूरा बनाया। ये मेरी बेटियों इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट। शरीर बिल्कुल अधूरा, मन बिल्कुल अधूरा, वरना एक प्रकार के विचार रखता, बुद्धि बिल्कुल अधूरी, ये तीन हमारे पास है, तीनों अधूरे हैं। और ये लगाता है शरीरों के साथ जो अधूरे हैं, इसलिए इसको पूरी तृप्ति नहीं मिलती, इसलिए आगे 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 जा रहा है। और अब अरमान लेके आया, अरमान पूरे करता रहा, अरमान लेके मर गया। आप आज 99% नर नारी का यही हाल है, अरमान ले आए, अरमान पूरे किए, नए अरमान खड़े हो गए, पूरे करने की चेष्टा की, आयु खत्म हो गई, उन्हें पूरा करने के लिए अगला जन्म फिर ले लिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओ सजनो देवियो, अगर तृप्ति हो जाए इंसान की, ओए होए होए होए, कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई आपकी अट्रैक्शन नहीं और कोई आपकी रिपल्शन नहीं। अट्रैक्शन रिपल्शन राग और द्वेष का नाम ही संसार है। क्या मतलब? कई पदार्थों को आप चाहती हैं उनके साथ मोह हो जाता है, कईयों को आप नहीं चाहते द्वेष हो जाता है, इसी को संसार कहती है। हे भगवती, जो आपके मनो अनुकूल है, स्वभाव के मुताबिक है, प्यार करती है, आपकी हर बात में हां में हां मिलाती है, उनके साथ आपका राग है, अटैचमेंट है, रग़बत है, और कई बिल्कुल उलट है, बिल्कुल शनिवार को पैदा हुए, हर बात आपके साथ काटती है, आप बुरा भी नहीं करती तो भी आपका बुरा करती है, उनके साथ द्वेष है। हर जगह कई कपड़े आपको पसंद नहीं, कई साड़ियां पसंद नहीं, कई कुछ नहीं, दो तीन भरजाइयां आपकी, एक अच्छी लगती है, दो नहीं अच्छी लगती, दो अच्छी लगती है तो बड़ी नहीं अच्छी लगती, घर के अंदर ऐसा ही चला हुआ है,
ऐसे ही चक्कर हर जगह चला हुआ है। दुकानदार कितनी है पर आपको दो तीन पसंद है, बाकी कोई दुकानदार पसंद नहीं। सब्जियां आपको सारी पसंद नहीं आ सकती, कपड़े भी पसंद आ सकते। जो पेंट आज आपने पसंद की है शायद दो महीने के बाद आप उसको पसंद ही नहीं करेंगे। रब्बा 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 ये क्या बना रखा। जो कमीज आपने अब सिलाई है दो ढाई महीने पहनने के बाद आपका दिल नहीं करेगा। हमारी इसी कमजोरी का टेलर मास्टर जी नाजायज लाभ उठा रहे हैं। कभी यूं कटिंग कर बैठते हैं, कभी यूं कटिंग कर बैठते हैं, कभी ये बना बैठते हैं, कभी कमीज के नीचे से बना लेंगे, कभी ऐसे बना लेंगे, कभी बुद्धू बनाई पड़ती है। हैरान होता हूं मैं परमात्मा, और दया करो इनके ऊपर। वही सलवार का कपड़ा कमीज में, वही कमीज का कपड़ा सलवार के नीचे में लगाई बैठी है। हमने क्या बना रखा है, जैसे साड़ी बना ली वैसे ही हमने टिक्के बना लिए। किसकी वह लाल टिक्का होता है, किसकी सुहाग की निशानी। लेकिन हरी है तो हरा है, और हरा है तो हरी कमीज, तो हरा ये वो। क्या हम तोतियां बनी फिरती हैं, तोते बनी फिरती हैं। कोई दीन ईमान नहीं हमारा। आप एवरीवेयर यू प्लीज सी एंड परसीव, कोई दीन ईमान नहीं। आज जिसकी निंदा करते हैं कल वही अपना रिश्ता कर बैठते हैं। कल जिनके साथ हमारी मुकदमेबाजी हुई हां आज वो हमारी जीजे कहलाती है। अगर बैठे हो तो प्लीज एक्सक्यूज मी। कितना परिवर्तन है संसार में, कितना भारी भारी तब्दीली है। क्यों ये तृप्ति देगा ही नहीं, सुनिए जरा। तो तृप्ति किससे मिलती है, गीता कृष्ण कहती है जो खुद मुकम्मल हो, कंप्लीट हो, वो आपको कंप्लीट तृप्ति देगा। जब भगवान ने संसारी प्राणी पदार्थों को बनाया इनकम्प्लीट है, ये शुरू से मां जी बता देते, पिताजी सिखा देते, प्रोफ जी बता देते, या स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में बताया जाता हाउ टू लिव हैप्पीली। एक अनिवार्य विषय होता हमारे लिए, कंपल्सरी विषय होता, जिंदगी के चार दिन कैसे आराम से काटते हैं। और ये जो हमें एजुकेशन मिल रही है ये क्या है, सिर्फ कमाना सिखा रही है। 4,000-5,000 हम कैसे कमाते हैं, कमा लेंगे साथ। तू भी मिल गई नहीं ब्राह्मा भाई, तू भी कमाओ और मां के पुत्रा था मैं भी कमावा, तो क्यों 8,000-9,000 हो गया। अब क्या करोगे, सोने कपड़े, सोनी कमीजा, सोने मकान, हाँ और सुंदर सुंदर है आप अपने ले लेंगी। तू स्कूटी ले फिरती है, वो स्कूटर लिया फिरता है। इससे क्या होगा, तृप्ति हो जाएगी, नहीं होती। आपने दो बच्चे बना लिए, लड़की अपने उंगली के साथ लगाई फिरती है, लड़का उसके उंगली साथ लगाई फिरती है। नाउ देयर मस्ट बी फुल सेटिस्फेक्शन, हो नहीं सकती, भगवान ने अधूरी चीजें बनाई है। यही शिक्षा हमें शुरू में मिलनी चाहिए थी। कोई तो देता हमें यूनिवर्सिटी का, क्योंकि वो जो मिल रही है वो हमारा क्या कर लेगी, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई कर देगी। जो एजुकेशन हमें कॉलेजों में मिलती है, स्कूलों में मिलती है, ये हमारा रहने सहने का स्तर बदल देगी। बढ़िया कपड़े, बढ़िया खाना, बढ़िया मकान और बढ़िया घूमने फिरने के साधन। मैं क्या कह रहा हूं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई, और कर भी दिया। वी आर वेरी थैंकफुल टू कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी एटसेट्रा, इनके हम बड़े हम कृतज्ञ हैं। लेकिन इन दानाओं से यह पूछना चाहिए कि केवल इंसान स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है क्या। जितने भी पढ़ाने वाले हैं एक बार तो उनके पैरों से जमीन निकल जाएगी। क्या इंसान स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, टीचरें आई बैठी हैं, क्या इंसान केवल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। बाबा हम नहीं समझे। अरे इंसान स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी है, खाना पीना भोगना बच्चे बनाना हित लेना ये नहीं है। इंसान क्या कर रहा है, जीवन भी तो है, जीवन का स्तर भी तो है, इंसान लाइफ भी तो है, केवल खाना पीना रहने सहने तो नहीं, जीवन जीवन। लिविंग इज समथिंग एल्स, लाइफ इज इंटायरली समथिंग एल्स। दोनों में डिस्टिंग्विश कीजिए, लिविंग एंड लाइफ है। ये तो किसी ने बतलाया, कृष्ण आपको गीता में यही बता रहे हैं कि अगर इतने में रह गए तो ये भौतिकवाद हो गया। इसे बोलते हैं मटेरियलिज्म। बढ़िया मेरे कपड़े, बढ़िया मेरा चेहरा, बाल मेरे यूं कटे हुए बांका बना हुआ हूं, यूं मैं बांकी बनी हुई हूं, अभी अभी इंग्लैंड से आई हूं, और यूं मैंने बाल बुल कटवा करके लंबे चौड़े बना रखे हैं। ओ बेटे इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे तृप्ति नहीं होगी। बढ़िया तो बन गए, सुंदर बन गए कपड़े कुपड़े ये वो, मैं पढ़ भी बहुत गई हूं, कमाती बहुत हूं,
तो ये सिर्फ खाना पीना रहने सहने तक रह जाएगा, लेकिन लाइफ तो मन बुद्धि तक है। अगर हम केवल स्थूल शरीर होते तो वाकई बड़े प्रसन्न होते, लेकिन इंसान के अंदर एक और वीर है, कंटा, जिसको विचार कहती है, आइडियोलॉजी कहती है, लाइन ऑफ थिंकिंग कहती है, उसको हम मन कहती हैं। इंसान यही नहीं है ग्रास बॉडी, सटल बॉडी है एज वेल, जिसमें विचार उठती है, जिसमें राग उठता है, जिसमें द्वेष उठता है, जिसमें रोना आता है, कभी कभी में खुशी आती है, बैठे बैठे कभी रो रहे होते हैं, कभी हंस रहे होते हैं। ये कौन है? ये कौन? कभी सोच रहा है, कभी अंबाले पहुंच गया है, कभी इधर चक्कर काट रहा है। दिस इज माइंड, संकल्प विकल्प आत्मिक, इसको जिंदगी कहती है, लाइफ। अब इसके स्तर को ऊंचा करने के लिए भगवान का उपदेश चाहिए, कमाने के लिए वाकई कॉलेजेस चाहिए, नो डाउट। आपने 4-5 हजार कमा लिया, खाने पीने का तरीका, पहनने का बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर पहन लिया, हाँ बड़ा सुंदर खा लिया, बहुत अच्छे, रहने के मकान बड़े सुंदर हो गए, अब सारे कमरे आपस में कनेक्टेड हो गए। मैं क्षमा चाहता हूं अपने दादाजी से, अपने पिताजी से, मकान अच्छे नहीं बनाते थे, दिन के 12 बजे भी भगवान की कसम लैंप जला के अंदर जाना पड़ता था, जिसको उधर पंजाबी में लैलपुर बोलते हैं धोर कोठा। धोर मैंने क्या मतलब, पहले बरामदा, फिर एक कोठा, फिर उसके बाद थोड़ा, फिर अगे एक तीसरा कोठा बोलते धोर कोठा। धोर कोठे में लाइट जला के जाओ, वो भी लैंप, नॉट इलेक्ट्रिसिटी, और अंदर अंधेरा ही अंधेरा, और धोर कोठे में चूहे मोटे मोटे, जो चीख निकले हमारी एक बार फुदक के जाए इधर उधर, और जहां तक हमारा वास चलता था हम दूर कोठे जाते ही नहीं थे। मां ये तू जा, हम तो नहीं जाते, डर लगता है। और आज बहुत सुंदर, हर कमरे में लाइट जा रही है, कमरे आपस में इंटरकनेक्टेड है, और शौचालय हमारे चौथी मंजिल पे होते थे, अगर रात को आ जाए तो मां का हाथ पकड़ना, मां तू चल नहीं तो डर लगता है, हम तो नहीं जाते, ऊपर कोई पकड़ लेगा हमें और पकड़ के आकाश की ओर ले जाएगा। वाह, ऊपर बेटू ऊपर शौचालय, और कितनी गंदी बात, वो आपने बड़ा अच्छा कर लिया, शौच पे शौच कर रहे हैं, बहन कर गई उसी के ऊपर, भाई उसी पर, पिताजी उसी के ऊपर, बो 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 रुमाल आगे लेकर के हम शौच करते थे। हो मच इंप्रूवमेंट, रैनी सैनी कितनी अच्छी है, ऑल रूम्स आर इंटरकनेक्टेड, एक कमरे से सारे कमरों में घुस जाओ, और उधर बरसात ओले पड़े तो भी हम हाथ, हमें तो पता ही नहीं होता ये क्या, यूं करके अगर दूसरे कमरे में जाना है, ओले सिर पे पड़ रही है और यूं कमरे से घुस के इधर जा रही है, पड़ जाए ओले 6-8 पड़े, और कोई तरीका ही कोई नहीं, कमरे इस तरह बनाए गए हैं। अब बड़ा सुंदर है निश्चय का ढंग, बड़े अच्छे, बहुत इच्छे बना लिया, सुंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, शानदार स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बहुत अच्छी बनाई मेरी बेटी आपने, बड़े सुंदर, मेहमानों के लिए अलग बन गया, उनके शौचालय अलग बन गया, उनका बाथरूम अलग बन गया, ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करें, गुड। नहीं तो जिस दिन घर में मेहमान आ जाते थे, हमें ऐसा जाता था जैसे हमारा घर, क्षमा चाहता हूं अपने माँ बाप से और अपने रिश्तेदारों से, जब भी कोई मेहमान आ जाए तो क्या लगता था, जैसे घर में शमशान हो गया, ऊंचा बोल नहीं सकते, ऊंचा कुछ कह नहीं सकते, खुलम खुला बात अपनी मां से भी नहीं कह सकते, कहना भी हो तो घर से बाहर ले जा करके मुंह के साथ मुंह लगा के बोलना। और अब तो अलग अलग कमरे, वो अपने अलग रहे, तुम अलग रहो, नो डिस्टर्बेंस एट ऑल, वेरी गुड, अप्रिशिएबल, अप्रॉडेबल, ये बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा, खाने पीने का ढंग भी आपके, रहने सहने का ढंग बहुत अच्छे। हमारे वक्त सिर्फ साइकिल से जिनके मडगार्ड टूट जाते थे, तो कौन मडगार्ड बनाए, अगर पैडल ऊपर की रबड़ निकल जाती थी तो वो डंडी से ही चलाते रहते थे, शाबाश, बहुत बुरा हाल। लेकिन आज स्कूटर बन गए सुंदर, और मोटरसाइकिल बन गए सुंदर, कारें बन गई छोटी छोटी, ये दुम कटी आपकी बन गई कार, जिसको आप बोलते हैं ये मारुति दुम कटी, जैसे कुत्ते की दुम कटी हो, अपने आप में ही कंसाइज, ये बहुत अच्छा, अति सुंदर। अभी आपने और बड़ा सुंदर कर लिया, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, 17-18 रुपए का लीटर, लो अब आपने के जो है आपके, मेरे बेटे सुंदर से कारें चल पड़ी, से रोटी पकाते हो, हाँ, दो मेहमान दिल्ली से मिलने के लिए आए तो कहने लगे, शर्म आती है कुछ कहते हुए, क्यों क्यों, कोई बात नहीं, हमारा खाली सिलेंडर ले लो, भरा हुआ अपने मंदिर का हमें दे दो, 100 रुपया लगते हैं तुम्हारे से, जी क्या बात, अब कारें सिलेंडर पे चलती हैं,
वेरी गुड, मैं बकवास नहीं कर रहा, सच्चाई से कह रहा हूं। वो मंदिर के संडर ले गए कि हम दिल्ली से यहां तक आए हैं तुम्हारे 96 रुपए खर्च हुआ है। बड़ा कम खर्च, बड़ा अच्छे सोच के बना लिया किसी ने, संडे पर रोटियां ही बनाओ, अगर कहीं जाना हो स्कूटर भी चल पड़े संडे पर, मोटरसाइकिल भी संडे पर चल पड़ेंगे। बड़ी इंप्रूवमेंट है इसमें, कोई शक नहीं। लेकिन क्या इन सारी बातों से हमारा अंदर वाला शांत रहेगा? नहीं रह सकता। अंदर वाला प्रसन्न रहेगा सोफा डी माइंड इज कंसर्न? नहीं, ये चीजें अधूरी है। और मन को कैसा चैन चाहिए, सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे मन को कैसा चैन चाहिए जो बेचैनी में ना बदले, कैसा करार जो बेकरारी में ना बदले, कैसी खुशी जो गमी में ना बदले, ये नहीं हो सकता। हां, सो फॉर दी मेटीरियल इज कंसर्न दिस कांट बी। अगर हम इसी इन्हीं चीजों पर मन लगाते रहे तो ये चीजें हमें सदा सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती परमानेंट, क्योंकि ये खुद परमानेंट नहीं है और खुद चेंजेबल है। फिर हमारा हाल ये जैसे 99% का हाल, आज गम कल खुशी है यही जिंदगी। आज हम खुश हैं कल हम गम में, आज अनुकूल है कल प्रतिकूल है, आज हमारे फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस हैं एंड दी टुमारो हमारे अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस। इस तरह जिंदगी रो पिट के गुजर जाती है। लेकिन जिस भगवान ने सृष्टि बनाई है उन पर बड़ा भारी इल्जाम आता, कोई रब को मानने को भी तैयार ना होता। अगर ये भगवान ने ऐसे बनाया होता तो भगवान कहते नहीं, तन कुछ और है, मन कुछ और है, इन दोनों को चलाने वाली आत्मा कुछ और है। वो पहले आपको तरीका बता दे, डिस्टिंग्विश करती है। कभी आपने एनालिसिस नवीं दसवीं में जरूर पढ़ी होगी, एनालिसिस एनालाइज, दो चार लाइनें देते थे, प्रिंसिपल क्लास निकालो, एडजेक्टिव क्लास निकालो, नॉन क्लास निकालो, ये निकालो, जो बाकी कुछ ना हो तो उनको प्रेडिकेट कह देती थी, बड़े नंबर देती थी हम लोगों को, एनालाइज करना। इसी तरह भगवान ने गीता का उपदेश किया गया एनालिसिस है, मैं मोटे तौर पर बता रहा हूं, प्रचारक हूं ना गीता का। गीता क्या है बेटे? विश्लेषण करना, एनालाइज करना। हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति एनालिसिस से चलती है। जैसे उधर पता था नॉन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्बियल क्लास, ये सारी हमने अलग अलग की। अच्छा, तो इधर भी भगवान कहते हैं स्थूल शरीर कुछ और है, सूक्ष्म कुछ और है, कारण कोई और है, बुद्धि कुछ और है, और परे आत्मा जो इसको चला रही है, जिसके निकल जाने के बाद दुनिया ने इसे मुर्दा कहना, लाश कहना है और फूंक आना है, ये कुछ और है। फिर इनके फंक्शन, स्थूल शरीर का फंक्शन क्या, मन का फंक्शन क्या, बुद्धि का फंक्शन क्या, आत्मा का फंक्शन क्या, इनका स्वभाव क्या, इतना बताने के बाद हमारा मन फिर परमात्मा में लग जाता है कि नहीं मैं तो परमात्मा को जुड़ लूंगा। क्यों? वो परमानेंट जात है, उससे फिर जीव को हमेशा रहने वाली शांति मिल जाती है, हमेशा रहने वाला सुख मिल जाता है। इसलिए हमें भगवान अपने जीवन में अनिवार्य चाहिए। हम तो सुख चाहते हैं, वो भगवान से मिलता है। और ये प्राणी पदार्थों का सुख जो मिला हुआ है, मकान मकून पति पत्नी, ये सिर्फ शारीरिक सुख है। आए आए। और शारीरिक सुख घंटों का, दिनों का, रब्बा रब्बा, या ये हमेशा के लिए होता। सुनिए मेरी बात, मेरे भगवान की बात, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख उसी से प्रगट हो। ये जो मेल मिलाप का सुख है, मां बड़ी अच्छी मां ने चुम लिया चट लिया, बड़ी बड़ी चीजें बना के खिला दी, तो कितने दिन का, 4-5-6 दिन के बाद उग जाओगे। माँ रोज चुम्बे चटेगी आपका मन निकलेगा, माँ बात के गला लाल हो गया, माँ मांस बड़ा ऐसा हो गया, कब तक चुमा लोगे, कब तक माँ बढ़िया बढ़िया चीजें आपको खिला देगी। माँ रोज 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 ये चीजें पकवान पकवान हमारे वक्त ये चीज होती, तो पकवान हो गया, या माँ बड़ी खुश हुई तो बना दिए, और अब मैं तो भूलता जा रहा पूड़े, कौन से पूड़े, ये तो मैं बाद में पता लगा माल पूड़े भी होते हैं दुनिया में, तवे के ऊपर बना के पूड़े, ओ मेरा रब्बा ओए, और तवे के ऊपर यूं बस यूं छेद छेद बन जाने, बस ज्यादा तो मां यही प्यार दिखाती थी, और तुम माल पूड़ी और मार अजीब किस्म के बन गए। तो यही लिखा आफ्टर ऑल, कब तक, पिताजी क्या करते थे, फरमाइशें पूरी कर दे, मुझे सूट चला दो, छोटे पत्र ले ले, मुझे फलानी चीज ले दे, ये फरमाइशें पूरी करने वाले पिताजी, खिलाने पिलाने और लाड प्यार देने वाली मां। पर ये आफ्टर ऑल कब तक, इससे परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलती। पति पत्नी का भी यही हाल है, कब तक राज के प्यार कर लोगे, आखिर में क्या होता है, मन फेड अप। क्योंकि प्रकृति में एक नियम चल रहा है, मैंने कई बार आप बताया, हां संसार आपको पूरी खुशी नहीं दे सकता, भगवान जीव को
फुल सेटिस्फेक्शन दे देती है। और बोलू आगे और समझा दू? जी हाँ, जब पूरी खुशी आपको मिल गई जो गम में नहीं बदलेगी, आपका जन्म मरण नहीं हो सकता। जन्म मरण का भी खास कारण है, किसी अरमान को पूरा करने के लिए रब हमें जन्म देता है। जब हमारा अरमान ही कोई नहीं रह गया, जब पूरी खुशी मिल गई, कोई अरमान नहीं। बेटी जब आपको पूरी यानी फुल एंटायर सेटिस्फेक्शन होगी आपकी, तो कोई अरमान नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई लेना नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, आप अपने आप में हो जाएंगे। यानी सेल्फ सेंटर्ड है, अपने में केंद्रीभूत। अब कल क्या है, हमारा मन दूसरों पर टिका हुआ है, तो वो मेरे अनुकूल हो जाए, खुशी मेरी और मुट्ठी में तेरी, फला नौकरी मिल जाए, फलानी ये चीज हो जाए, फला जगह मेरे पति बन जाए, फलानी मेरी पत्नी बन जाए, मेरी गोद में बच्चा हो जाए, मेरे फलाने ये खुशी मेरी। हम संसार के ऑब्जेक्ट में ढूंढते हैं, आई एम सब्जेक्ट एंड वर्ल्ड वर्ल्डली ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट, और उनमें धक्के खाता फिरता हूं। फिर जब उनमें मेहनत मार के ले भी लेता हूं, फिर नहीं मुझे तृप्ति मिलती, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, आयु खत्म हो जाती है, अरमान रह गए, फिर जन्म। और जब भगवान से मिल जाती है तो जीव का मन बिल्कुल शांत, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, अपने आप में, किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं, फिर आपका घूमना फिर नहीं बंद हो जाता है। घूम फिर के क्या करोगे, किससे क्या लोगे, क्या दोगे, इस संसार को क्या दोगे जो चंद दिनों के बाद मौत के मुंह में जा रहा, जो जा रहा है। जब मीरा का पति राणा बड़ा तंग आ गया, एक दिन एक किकरी करने लगा, मीरा आज मेरी एक बात सुन, जी या तू रहे या मैं रहूं, हम दोनों में से आज एक मर जाएगा। हाय, क्यों, क्या बात, तू मेरा कोई भी तो कहना नहीं मानती, कारण क्या है? मेरे मां बाप ने तो जबरदस्ती शादी की है, तेरे मन में क्या समाया हुआ है, शादी कोई पाप थोड़ा है, तेरे मन में क्या है? लो राज निकाल खोल दिया, मेरा मन आप में नहीं लगता, पत्नी कहे मैं आप में नहीं लगता, ये चौथे महीने कह रही है, मेरा मन आप में नहीं लगता। क्यों, मैं तेरा पति नहीं हूं क्या, लीगल पति नहीं हूं, इलीगल हूं क्या? नहीं, ये तो मैं मानती हूं, बिल्कुल ठीक है, वैध पति है आप, उचित पति है, क्यों नहीं लगता, आप में एक अवगुण है, मेरे में, महाराणा मैं तो राजा हूं, मेरे में क्या अवगुण है, अवगुण ये आप हमेशा नहीं रहेंगे, हैं? उस पति को मैं क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, मीरा वरेगी सांवरिया, महाराज चूरड़िया मर हो जाए, मेरा मन गिरधर गोपाल के साथ लगा हुआ है। बड़ी जोर की चोट राणा को लगी, राणा आधा पागल हो गया, हाफ मैड, इसकी बात कैसे काटू, ये तो मेरी में वाकई अवगुण है, मैंने तो नहीं रहना, ये तो ठीक कहती है, शास्त्र कहती है, उनकी जीवनी कहती है, आधे पागल हो गए कि ये मैं इतनी बड़ी अच्छी बात कह रही है कि मैं तो नहीं रहना, एक दिन वो होएगा कि मैं संसार में चला जाऊंगा, तो जो ठीक कहती है, तो वो अपने गिरधर गोपाल इष्ट देव से प्यार करती है, तो ये तो बहुत अच्छा कर रही है। वो तो गुरु ग्रंथ साहब में भी पता नहीं कितनी बार अपने गुरुद्वारों से ये ध्वनि निकली होगी, पर होगी जिसके भाग उसने विचार किया होगा, एक को सिमरियो नानका जो जल थल रियो समाए, दूजा कहा है सिमरिए जो जम्मे ते मर जा। कितनी दूर की बात, अगर किसी में गुरु की बात धस जाए, बस जाए, गहराई में उतर जाए, तब इंसान कहां से शैतान से देवता बन जाता, सिर्फ यही बात समझ जाए, दूजे काहे सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए, और उससे पूरी तृप्ति भी नहीं मिलनी, तो मेरे सजनों मेरी कल्याण कामनी देवियों, बस सिर्फ इतनी बात समझ जानी चाहिए, संसार में व्यवहार तो करते हुए हम दिखाई देंगे लेकिन संसार का इतबार नहीं करेंगे, फिर इतबार भगवान जी के साथ, इसी को भक्ति कहती है, इसी को भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से भक्ति कह रही है, उपासना कह रही है, इसी को गीता में एक नहीं अनेक जगह कहा जा रहा है, तू कर सच्चे दिल से प्रश्न। अर्जुन वो इस जहान से परले पार पहुंच जाते हैं, मैं उनको परले पार कर देता हूं, दिल अपना जो मुझ में लगाती रहे, मुझी से निजात अपनी पाते, सिर्फ इतनी सी बात, लियाकत की बात, यही मैं कह रहा था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो हमारे कालजों ने बढ़ा दिया, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं बढ़ाई, हमारे जीवन का स्तर ऊंचा नहीं हुआ,
उल्टा बारे में काम बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया, मोह बढ़ गया, लोभ बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया, निंदा बढ़ गई, द्वेष बढ़ गया, लड़ाई झगड़े बढ़ गए, कचहरियां बढ़ गई, ओए होए होए, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है। यानी हम शैतान बनते चले गए, हमने बनना था देवता। अगर हमारा जीवन का स्तर ऊंचा हो जाता, मैं कह रहा हूं रहने सहने का स्तर तो हमने बड़ा अच्छा बना लिया, लेकिन अपने जीवन के स्तर को गिरा दिया, क्योंकि हमारे में नेगेटिव क्वालिटीज आ गई, पॉजिटिव क्वालिटी नहीं आई, हम नेक ना बने, हमारी हाई थिंकिंग ना हुई, लो थिंकिंग हो गई है, हम जो है लवेबल ना हुए बल्कि लड़ाई झगड़े करने वाले बन गए, नफरत करने वाले बन गए, हमारे पावर ऑफ टॉलरेंस ना आई, सहनशीलता ना हुए, सहनशील ना बने बल्कि एक का दस उल्टी पुल्टी बातें करने के बाद सबर किया, किसने अनुचित एक बात कही हमने दस कही, इसको लाइफ नहीं कहते, ये तो बर्बाद हो गए हम लोग। और भगवान ने जो हमें तरीका बताया हमेशा रहने का और कल्याण का, ये बड़ी गजब की बात है, बड़ी कमा, इरादा एक होगा, विचार बड़े चोटी के होंगे, कर्म हमारे बड़े सुंदर होंगे, जिससे दूसरों को बड़ा लाभ होगा, गली को, मोहल्ले को, अपने समाज को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, क्योंकि हमारे कर्म निष्काम होंगे, कर्म उच्च होंगे, कर्म पॉजिटिव होंगे, हम कामी क्रोधी लोभी नहीं बनेंगे, हाँ विवेकी बनेंगे, वैरागी बनेंगे, हाँ भगवान के प्यारे बनेंगे, और भगवान में जो गुड क्वालिटीज है वो हमारी बनेगी। जैसे आपका किसी लड़की के साथ शादी हुई, पत्नी हुई, तो कितना दहेज लेके आई, इससे जब जीव आत्मा का भगवान के साथ होता है, जितनी क्वालिटीज भगवान में है, सारी तो नहीं पर बहुत सी आप में क्वालिटीज आ जाती है, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। और जब हम संसारी आदमी से प्यार करेंगे तो कंट्री से प्यार करेंगे, कामनी से, कीर्ति से, जैसा उनके दिल में प्यार है, मनी, वेल्थ, नेम, फेम एटसेट्रा, हाय आहा, कितनी लानत की बात है, आज के पढ़े लिखे व्यक्ति कहती हैं, दुनिया में तो 3 W प्रधान हो चुके हैं। मैं सुन के रोया भी सही और आंखें भी नीचे की, ये पढ़ी लिखी बेटियां कह रही है, ये पढ़े लिखे बेटे कह रहे मेरे, एक बार जब भगवान का तख्त भी हिला होगा, कि भाई दुनिया में तो 3 W प्रधान है, 3 W, सोना मेरे रब्बा, फिर सुन ले अपनी दुनिया की बातें, 3 W, पहला W क्या हो गया, वेल्थ, बिल्कुल ठीक है, हर जगह वेल्थ प्रधान है, दूसरा W वाइन, शराब, अच्छा, और तीसरी W मेरी देवियो वाइफ, एवरीवेयर यू सी एंड परसीव, कहां प्रधानता भगवान को और भगवान के विचारों और ज्ञान को मिलनी चाहिए थी, और कहां आजकल के पढ़े लिखे बेटे कह रही, बेटियां कह रही हैं भाई 3 W की प्रधानता है आजकल, तो बोल वाला है 3 W का, वेल्थ, वाइन एंड वाइफ, कहां तक ऊंचा था, इसका परिणाम क्या होगा, खुद कृष्ण गीता जी में कहती है, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात, ऐसे जीव गम में मुब्तला होंगे। और भाग आपके अच्छे, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों के, अगर सही रूप में हमें समझ आ जाए और मन भगवान में लग जाए तो भगवान का प्रसंग शुरू हो गया, गत व्यथा मेरे भक्तों के गम दूर हो जाएंगे, उनको गम स्पर्श ही नहीं करेगा है। भक्तों में गुण क्या बताया, गत व्यथा, उनकी व्यथाएं, उनकी दर्द, उनकी चिंताएं, उनकी बेचैनी दूर, चूंकि मेटेरियलिज्म में रहते तो है लेकिन मेटेरियलिज्म में दिल नहीं लगा रखा, प्राणी पदार्थों में दिल नहीं लगाया हुआ, व्यवहार तो करती है, लेन देन तो है, पर नॉट डिपेंडिंग, शाबाश, वो उनकी मिसाल तो उलझे हुए नहीं है, ऐसे जीव हमेशा शांत रहती है, ऐसे जीव के चेहरे खिड़े हुए रहेंगे, हंसमुख है, कहना बड़ा आसान है बेटी, बड़ा आसान है हंसमुख, तो हंस के नहीं कर, हंसे कैसे, मन में चिंताएं है, बेचैनी है, मन में घाट है, आजकल कोई लाखों में एक आध होगा जिसके मन में घाट ना हो, जिसके मन में घाट ना हो, इसी घाट के कारण से क्या आप में खिंचाव, जिसे आप टेंशन बोलते हैं, ये आम शब्द चल पड़ा, इसे पता नहीं किस कबर से निकाल के लाई हो, ये टेंशन किसी कबर से आया है, किसी मरे हुए ने निकाला अपने सर्द दर्द भरी और सर्द भरी आ से, टेंशन का मतलब खिंचाओ, तनाव, मेरा वक्त नहीं चलता, कोई बात मेरे उल्ट होती जा रही है, तो तनाव मेरा बढ़ता जा रही है, कहते टेंशन बड़ी है, तो जहां टेंशन है वह शांति कहां होगी,
where there is tension, there is no attention, then what? Wavering, always wavering. इसी को हम भगवान कह रहे हैं व्यथा, आय की नरनारी व्यथा में है, दर्द में है, बेचैनी में है। और भगवान अपने भक्त के बारे में कह रहे हैं गत व्यथा, हा केयर फ्री, वो निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि उसका मन भगवान में लगा, दुनिया से उम्मीद नहीं रखी, दुनिया से किसी प्रकार की वो आशा नहीं लेता, रहता है मानसिक रूप में नहीं रहता, शारीरिक रूप में संसार में रहता है, किसी पर कोई उम्मीद नहीं, पता मैं क्या उम्मीद रखूं, ये सारे परिवर्तनशील है, आज मेरे अनुकूल है कल मेरे प्रतिकूल है, आज जो प्रतिकूल है कल अनुकूल है, जरा गुजरी जिंदगी पर नजर मारो, प्रिय अप्रिय हो गए, अप्रिय प्रिय हो गए, प्लेजेंट अनप्लेजेंट और अनप्लेजेंट प्लेजेंट, वाह वाह, इसी को संसार कहती है, ओ मेरे सजनों यही दुनिया है, ओ मेरी देवियों इसी को दुनिया कहती है, कभी कुछ हो जाना, कभी कुछ हो जाना, कभी कुछ हो जाना, तो जिनकी बुद्धि का विकास हो गया है वो संसार के प्राणी पदार्थों पर विश्वास नहीं करते, वो अपने भविष्य को काला नहीं करते, क्योंकि ये तो फिर कुछ भी ना हुआ, अगर बात बात में बदल जाना तो कुछ भी ना हुआ, इसलिए दाना आदमी भगवान को अपने जीवन में रखेंगे, भगवान को अपने विचारों में रखेंगे, भगवान को अपने इरादों में रखेंगे, और जो भी क्रिया करेंगे वो इतनी उत्तम, इतनी अच्छी, इतनी सुखदायी होगी जिससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। मैं एक यहां पर इशारा करूंगा, भगवान उन मेरी बेटे बेटियों पर बड़े प्रसन्न होंगे जिनसे अनेकों को लाभ पहुंचे, ऐसी क्रियाएं जिनसे अनेकों को लाभ पहुंचे, अनेकों को, कोई ऐसी क्रिया करो, इस तरह बोलो, इस तरह व्यवहार करो, और आज का जमाना दस का नुकसान हो तो हो पर मेरा भला होना चाहिए, दस लड़के जो के सर्विस के लिए खड़े हुए हैं, हां वो मेरे लड़के से बहुत आगे हैं, उनके फर्स्ट डिवीजन है, कोई मेरिट में आया हुआ है, मेरा लड़का सेकंड क्लास है, सेकंड डिवीजन में गए, चूंकि मेरी किसी मिनिस्टर के साथ वाकफियत है, इसलिए मेरे लड़के को मिल रहा है नौकरी, उन बिचारों की किक मारी जा रही है, तो मेरा लड़का क्या खुश रहेगा इतनों की बद दुआएं लेकर, बेशक मेरा घर कोता तो उनको होने दो, लेकिन नहीं, क्योंकि मेरी वाकफियत है, ऐसे व्यक्ति कभी शांत हो सकते हैं, कभी आनंदित हो सकते हैं, नेक्स्ट इम्पॉसिबल, जिससे अनेकों को नुकसान पहुंचे, तो वहां पर साइंस का ला ले लो, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो बेटे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फिजिक्स में थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या, आइजक न्यूटन का एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, क्रिया प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर, अगर मैंने बुरा क्रिया किया तो उसका रिएक्शन भी बुरा होगा, अगर मैंने भली क्रिया किया तो उसका रिएक्शन भला होगा, कर भला हो भला अंत बुरे का बुरा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन का रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, पर कौन जानता है, इतने पढ़े हुए भी अपने इन नियमों को अपने एवरीडे लाइफ में अप्लाई नहीं करते, इसलिए दुख ही दुख, भगवान क्या कह रही है, मेरे प्यारे इन दुखों से मुबर्रा हो जाती है, इंटायरली अबव, इंटायरली अबव, चूंकि उन्होंने अपना मन ही नहीं लगाया इनमें, इनसे उम्मीदें नहीं रखी, किसी प्रकार की नई एक्सपेक्टेशन है, इसलिए उनका मन शांत रहता है, उनका मन आनंदित रहता है, वरना बड़ी हैरानगी होती है, संसार वाले दुख पाती और भगवान का प्यारा क्या भगवान पक्ष पाती है, नो, वो तो इम्पार्शियल है, मैं कल के गुण में बता रहा था, भगवान में पार्शलिटी नहीं हो सकती, इनको हमारे परम पिता है, हमें रहने का ढंग ना आए तो भगवान क्या करे, हमें ही अगर अपनी लाइफ को ऊंचा करने का ढंग ना आए तो भगवान क्या करे, भगवान ने तो बताया समझाया पर हमें कोई बताता ही नहीं समझाता ही नहीं, सिर्फ लिविंग का तरीका बताया, कमाने का तरीका बता रहे गए, कमाने का तरीका हां, खाने पीने का तरीके हां, लेकिन जिंदगी को खुशी से रखने के किसी ने, इसी ने नहीं बताया, किसी ने यही डिस्टिंग्विश नहीं किया कि लिविंग कुछ और होती है, लाइफ कुछ और होती है, स्टैंड ऑफ लिविंग कुछ और है, स्टैंड ऑफ लाइफ कुछ और है, रहने सहने का स्तर कुछ और होता है, जीवन का स्तर कुछ और होता है, तो मैं बार बार कह रहा हूं भगवान जीने का स्तर, बाखुशी जीने का स्तर बता रही है, बाखुशी कैसे जिया जाए, जिन मां बाप ने आपको पैदा किया है उन्हीं का काम था पालना परोसना पढ़ाना लिखाना कमाना, शादी करके आपको मकान बना के आपके हवाले कर ले, पुत्र सब कुछ कर दिया, अब तेरी तेरा मुकदम तेरे साथ, यही परम पिता का हाल है, उन्होंने हमें बाखुशी जीने का कला बता दी है, यदि हम उनके उपदेश में गोता मारे तो, यदि उनके अंदर हम प्रवेश करें तो
शाबाश शाबाश, तबाखुशी जी सकते हैं, क्योंकि हमारा मन और बुद्धि का स्तर ऊंचा हो जाता है। अभी मन बुद्धि का स्तर कहां है? कल्चर कामी कीर्ति में, मनी वेल्थ नेम फेम वाइफ हस्बैंड इन्हीं गंदगी के अंदर, पैशन में पैशनेट हम बने हुए हैं। इनका फिर प्रति उत्तर क्या होता है? दुख, चूंकि इनमें चेंजेस आती है, चेंजेस हमें गवारा नहीं होती, मन चिल्ला उठता, मन रो उठता। और जब सतारा हमारा ऊंचा होता है, इनसे कोई उम्मीद ही नहीं होती। रह तो रहे हम परिवार में, लेकिन निराले बन के, समाज में निराले बन के। इसलिए भगवान ने कहा गत व्यथा मेरे प्यारे, व्यथाओं या आदि व्याधि उपाधि के क्लेशों से दूर हो जाते, वो इससे छूटे हुए हैं। शाबाश, इतना उनके मन का स्तर ऊंचा हो जाता है। जरा सा आप कोई आया ऊपर से, हां उन्होंने जगह मांगी, जरा बैठने दो, आपने जगह न दी। जरा सा कोई आप आई, आपने जगह मांगी, नहीं जगह दी। हां कितना बुरा मनाया आपका मन ने, कितना बुरा। अब दूसरे रूप में अगर मन का स्तर ऊंचा हो जाए, हां तो आप क्या कहेंगे? आप आगे, हां लीजिए, आप जगह सारी दे देंगे। क्या मैं बात है क्या? कोई ऐसी बात नहीं, मैंने कईयों को देखा, जगह दे दी और आप वहां जमीन में जाकर बैठ गए। हाय लोडो, आप बैठो, हम तो रोज ही बैठते हैं। और नीचे देखिए मन का स्तर, एक कह रहा आगे जाइए आगे जाइए, या कोई नो कॉम्पिटिशन एट ऑल, और एक छोड़ के आगे, ये मन का स्तर है ना। शाबाश, एक ने गंदी सी गाल मेरे बुजुर्ग को दे दी, किसी पर किस बात पर? हां तो जवाब किया बुजुर्ग, हंस रहे होंगे, क्या जवाब दिया? तू बेटा है, मैं बाप हूं, तू बेवकूफी कर सकता है पर मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पिता समान हूं। हाय रब्बा मेरा, हाय रब्बा मेरा, उनका आपस में इतना प्यार हो चुका है जी, शायद उसने दर्जनों बार माफी मांगी है। मैं पिता समान हूं, तू बेटे समान है। अगर मैं भी इस तरह गाली दूं तो रब मुझे क्षमा नहीं करेगा, तुझे तो क्षमा कर देगा। देखिए स्तर, देखिए लाइफ कहां बढ़ जाती है। ये लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, कि उसी स्तर पे बुजुर्ग नहीं उतरे जिस स्तर पे काका उतरा हुआ, उसका स्तर कुछ और है, यानी स्टैंडर्ड उनका स्तर कुछ और है। कितना अंतर। अभी उस दिन एक का वो गिर गया, ये जो बनाती वहां के आप, ये जो बना लेती है यहां पर बंगल बुंगल, हां बड़ा भारी था, गिर गया, मंदिर में नहीं मत्था टेका, वापस आकर के ये पता नहीं जी किसका था। दिस इज स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, दिस इज स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। और अभी उस दिन की बात, क्या अब वो बैठने लगे, पेन गिरा, तो साथी वाले ने लेके देखा नहीं, जेब में डाल दिए पेन। जरा दोनों में डिस्टिंग्विश कीजिए, मेरे कहा हजारों रुपए का होगा वो। अभी कुछ दिनों के बाद श्रीमान श्रीमती नारायणगढ़ रोड से प्रणाम करने आए, हाँ वो उसने कहीं कपड़ा कुपड़ा सिर का यूं किया तो चेन गिर गई पीपल के पास। हाँ अब माई एक मत्था टेके जा रही है, चेन देखी उठा करके अंदर, अगर कोई पूछने आए तो उनको दे देना, ये नहीं कि अविश्वास दे देना। अभी आधे घंटे के बाद ही कोई आ गया, हमारी को चेन मिली, हाँ जी स्टैंड ऑफ लाइफ देखिए, एक पेंसिल जेब में डाली जा रही है, पेन और वो भी बॉल पेन, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए का होगा एट दी मोस्ट, अगर फॉरेन कंट्री गए तो, वो जेब में डाला जा रहा है और हजारों रुपए की चीज दी जा रही वापस। घड़ियां तो कितनी बाथरूम में जब आती तो आपकी बुद्धि बदल जाती, तरोताजा हो जाती है, तो कितनी घड़ियां आपके वापस आई है, ये बाथरूम में मिली थी, ये वहां पड़ी हुई थी जी, ये वहां। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कितना ऊंचा हो जाता है, ख्याल आप कितनी ऊंची हो जाती है आपके। शाबाश, पवित्र थिंकिंग। इसका रिएक्शन क्या होता है? सुख, आराम, चैन। कितना अंतर है, कितना अंतर। अभी वो पर्स की बात, हा आप पर्स आप भाई जी को देके चले गए यहां, और पर्स में काफी नोट 100-100 के, और पगली को पता ही कोड़ी, इतना रस आया सत्संग में, वो पर्स भी अपना छोड़ गई, कहीं बैंक से लिए रुपए या क्या लिए। जब उन्होंने गिने तो इतने तो 100-100 के नोट है, होगा 10,000 होगा। और वो जाके टेलीफोन करती है कैंट से, मेरा पर्स गिर गया, मिल गया जी, उसमें काफी नोट थे, हाँ जी पूरे नोट है, आप चिंता ना करो। स्कूटर में बाद में वापस आती है,
ये देखो आप गिन तो लो, ठीक है पूरे इतनी है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। या प्राय चीज को जहर समझना है कि जो मेरे मुकद्दर में है भगवान वो देगा तो वो मेरे लिए अमृत है, दूसरे की चीज मेरे लिए जहर है। ये किसने बताया? भगवान के विचारों ने। ये किसने कहा? आपके आला स्टैंडर्ड ने, बुद्धि ने, आपके ऊंचे विचारों ने कि मेरे लिए ये पॉइजन है। नो, ये मैं नहीं ले रहा। जो मैं अपनी 10-9 की कमाई से करूंगा दैट इज मेरे लिए अमृत। शाबाश, दिस इज स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। कितनी ऊंची बना दी आपने, कितने मेरे भगवान खुश हो जाती हैं जो आपने 10,000 के बटुए को थूक दे दिए। ना कुछ भी कह रहा, मुझे नहीं चाहिए। दिस इज स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। कितना सुंदर, कितना सुंदर, कितना अच्छा। एक बच्चा वो चले गए है, एक बच्चा वो मेरे दो भाई को चैन ही नहीं पड़ी बच्चों को, ना इनको हम घर में पहुंचाएंगे। पता मम्मी पता ही लग रहा है कौन है। आप यही रहिए ना, बच्चे को ना ले जाओ। 1.5 घंटे के बाद रोते हुए श्रीमान, इतने पढ़े लिखे एमए और श्रीमती जो बीएड है, दोनों रोते हुए वो यूर हो रहे हैं, वो यूर हो रहे हैं, हमारा बच्चा गुम हो गया। ना कोई गुम नहीं हुआ, अंदर बैठा है, आपको रो रहा है, आप उसको रो रहे हैं, वो आपको रो रहा है। अंदर देखो, हाय वो जान पड़ गई उनके अंदर। सच किस किस्म, हाँ वो हमारा बच्चा है, वो आपको रो रहा है, आप उसको रो रही, चलो अंदर। आई कह स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, वरना वो बच्चे कहते हम तो जा रहे हैं। नहीं, जब तक इनके मां बाप नहीं हो गए हम खड़े हैं, या हमें आज्ञा दो। नहीं, गाड़ी ले जाओ बेशक, पर वो आके यहां रोएंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, एक घटना घट रही है उसका कैसा असर पड़ता है एक के ऊपर दूसरे के ऊपर। भगवान की कृपा से जो हमें बचपन में मिलने चाहिए विचार, अब ऐसे व्यक्तियों के लिए गम क्या हो। घटना एक घटी, एक का मन ही इतना अच्छा है कि उसको और सेंस में लेता है तो दुख होगा ही नहीं। एक के पास विचार ही नहीं पल्ले तो छोटी बात का बतंगर बना लेगा। राय का पहाड़, भगवान के चरणों को बार बार याद किया करो, जिन्होंने इतने अच्छे ज्ञान दे करके पहाड़ जैसा दुख आता है राय समझती है भगवान की कसम। और दुनिया वाले राय का पहाड़ बढ़ा के सारे घर में बर्बादी ले आते, सारे घर में हलचल मचा देंगे। ये दोनों में क्या अंतर है? एक के पास विचार है, ऊंचे विचार, हाई थिंकिंग, एक के पास लो थिंकिंग। हाई देख लो, एक लड़का फेल हो गया, हाँ तो क्या हो गया पुत्र, आ जा, कोई बात नहीं, तू क्या रोता है, रुपया हमारा जाया हुआ, हाँ वक्त हमारा जाया हुआ, तुझे क्या है, आ मैं तुझे पाठ पढ़ाऊ। ये मां पाठ पढ़ा रही है, बोलो हाथ पर, मैं नहीं हंसता, मैं फेल हो गया। नहीं, कोई बात नहीं, बोल नेक्स्ट, नेक्स्ट ईयर, ईयर बेस्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर दी बेस्ट ईयर, चल मैं चूल अगला साल तेरे लिए और बड़ा अच्छा होगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर दी बेस्ट ईयर। और दूसरे माओ का गंदी मंदी गालियां देते हैं, तूने पिताजी का रुपया बर्बाद किया, तू पढ़ा नहीं होगा, तू लोफर बना होगा, तूने ये किया होगा, उन्होंने लिया ही नहीं। संसारी आदमी इसी बात का बतंगर बनाता, उन्होंने प्यार कर लिया, कोई बात नहीं बच्चे, अगले साल तू और अच्छी तरक्की कर जाएगा। घटना तो घटती है, पर कोई कैसे लेगा ये उसके विचार है, कोई कैसे करेगा ये उसके विचार है। शाबाश शाबाश शाबाश, ये अपने विचारों में है ना। कोई गैया का मांस खाता है और हमारे जैसे गैया को मां समझ के प्रणाम करती है, विचार ही है ना। हम समझते ये हमारी मां है, जब मां ने अपना दूध पिलाना बंद किया तो इसी मां ने हमें आज तक संभाल रखा। हाय मां तो तंग आ गई 1.5 साल पिला पिला करके, लेकिन गैया बिल्कुल नहीं तंग आती। जब भी देखो इसका हवाना दूध से भरा हुआ, हम उसे डिवाइन मदर कहते हैं। अपने विचार है, और एक उसके मांस की दृष्टि से देखता है। अगर अंग्रेज पट्टा खड़ा हुआ हो तो वो उसे मांस के रूप में देखेगा। अपनी दृष्टि है ना, अपने विचार है ना मेरी देवी। इसलिए भगवान कहती है क्या कि मेरे भगत दुखों से ऊपर उठ जाते। ये नहीं कि दुख आते नहीं, ये ना कहना, दुख तो उनके भी आते हैं, उनके भी पत्नी मरी, उनके भी पति मरे, उनके भी पुत्र मरे, लेकिन क्या ज्ञानी भुगते हंस के, अज्ञानी भुगते रोए। उसके पहले ज्ञान था इसलिए ज्ञान के आधार पर वो खुश रहे। एक के पहले विचार ही नहीं होते, पिट पिट के मर जाते, पिट पिट के, पिटा पिटा के मर जाते। फिर क्या होता है 13वें-14वें दिन के बाद, महीने के बाद, अच्छा रब तेरे अग्गे किस्ता चाह रहा है, यू कह करके सबर कर लेंगे। तो जिनके पास पहले विचार है कोई बात नहीं,
इस दुनिया में तो ऐसा चलेगा ही, ऐसा होगा ही। ये कोई अमरपुरी नहीं है, देवपुरी नहीं है, ये तो मृत्यु लोक है, या बात बात में तब्दीली आएगी, बात बात में तब्दीली आएगी। शाबाश। इसलिए सियाने कहती हैं, ना सुख विच ग्रस्त दे ना घर छोड़ गया, ना तो घर बार छोड़ जाने में सुख है, ना ग्रस्ती में सुख है विच विचार दे संता शरणी प्या। कि अगर हम विचार परिपक्व कर ले, अपने भगवान के ज्ञान को ले ले, हेयर लाइज अवर परमानेंट हैप्पीनेस। कितना मन शांत होता है मेरी देवी, कितना मन प्रसन्न होता है। अब रोज भगवान की गीता सुनकर के आपका मन का स्तर कितना ऊंचा हो गया। उल्टा आप अपने को तो क्या, दूसरे को समझा बैठती हो, क्या हो गया तू इतना रो गया, मेरे काका 10 दिन भी नहीं रहा तो मर गया। तू कोई बात नहीं, घर की खेती है, फिर और खेती हो जाएगी। तू माँ के घर से लेके आई थी, लो अगली जो रो रही थी हंस पड़ी, तू माँ के घर से लेके आई थी, माँ के घर से थोड़ी लेके आई थी, यही से हुआ था, यही हुआ, यही मर गया, हाँ यही खेत फिर हो जाएगा, फिर सही। ये क्या बात, जमिया बाल तो यू हाल। कितनी शांत होगी, कितनी आनंद, एक आप में विचार देगी, कोई बात नहीं, यही से हुआ था, यही मर गया, यहां से फिर और हो जाएगा, ऐसा बस। इस खेत में कितनी फसलें हुई और कितनी कट्टी, ये चक्कर चलता ही रहेगा। एक के पहले विचार, विचार देकर शांत कर लिया। और बेवकूफी होती, आए नहीं तेरा मर गया, नहीं तेरा की बनेगा, तेरी कदर कोई नहीं करेगा, नहीं तेरा की हो गया, पिटा पिटा के बेचारे को दुख दे देती। यह है विचारों में ताकत, यह है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। शांत जीव, कहां भगवान जा रही गई, मेरे भक्तों को दुख नहीं होता। अगर आप माने तो दुख है ना, घटना तो एक जैसी घट जाती है, नाउ हाउ यू टेक इट। घटना तो घट गई, अब जनाब लेते कैसी है, हाउ यू टेक इट, इन गुड सेंस एंड इन बैड सेंस, इन पॉजिटिव इन नेगेटिव। वाह वाह मेरे कृष्ण, वाह वाह मेरे जगत गुरु, वाह रे गीता के गायक, वाह। घटना एक जैसी घटेगी, अब आप कैसे लेंगे, आप पॉजिटिव रूप में लेंगे। अगर आपका मन का स्तर ऊंचा है तो पॉजिटिव रूप में लेंगे, और अगर आपके मन का स्तर बड़ा लो गए, आप बात का बतंगड़ बना देंगे, आप इसे बहुत ही बुरे सेंस में ले जाएंगे, बड़ी गंदी सेंस में ले जाएंगे। वाह, अभी एक मेरे भाई का साइकिल नया उठ गया, क्या क्या सुनाऊं मैं आपको, नया साइकिल कहते हैं, मैं अभी 3-4 दिन हुए निकाला था, शायद बैठे हो एडवोकेट जी, एडवोकेट जी का साइकिल उठ गया। तो क्या कहने लगे, जवाब देखिए जरा, क्या सुंदर, क्यों बुरा नहीं बनाया उन्होंने। मेरे से कहा, मैंने सुना तो है आपका साइकिल उठ गया, कोई बात नहीं, कोई मेरी बुरी कमाई होगी तो चंगा उठ गया, अगर मेरी जवाब देखिए जरा, मेरी नेक कमाई होती तो कोई ना उठा कर ले जाता, मेरी मत मारी गई, मैंने ताले नहीं लगाया, ऐसा दोष मेरा है, ले जाने वाले का दोष कोई नहीं। वरना लोग बात को दंगड़, यहां भी आने वाले चोर होते हैं, यहां आने वाले कोई परवाह नहीं है, इतने गंदे और इतने खराब आदमी है, और पता नहीं क्या सा सोचते, मेरी कमाई गंदी होगी जी, नेक कमाई तो कभी भी गंदी नहीं होती, मेरी कमाई गंदी होगी तभी कोई ले गया, अच्छा हुआ, चंगा हुआ। अब चोरी तो हो गई, पर हाउ यू टेक इट, आप इस घटना को लेंगे कैसे। भगवान कितने खुश हुए होंगे, अच्छा बच्चे कोई बात नहीं, उसने एक हाथ से चुराया, मैं तुझे अनेक हाथों से दे दूंगा। बंदा एक हाथ से काम करता है और रब अनेक हाथ से सोए उसका बाला बदला देता है। बेटे हम तो एक हाथ से करेंगे, परमात्मा कितने हाथ हैं, उसी के 11वें अध्याय, उसी के 10 4 सू, 10 तो 5 4 सू, उसी का रुख रूनुमा सा 4 सू, चारों और उसके हाथ है, चारों और उसकी कृपा। मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको पता लगे कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या होता है, दुख मनाना क्या, अगर मना लिया तो है, वरना कोई भी नहीं। घटना घटने का नाम दुख नहीं, घटना के बाद आप लेती कैसी को, आपने कैसी लिया, शाबाश, आप उसे किस प्रकार लेंगे, ये बात, किस रूप में आपने लेना है, ये बात, शाबाश। इस अवस्था पे, इस स्टैंडर्ड पे में हमारे कृष्ण कह रहे गए, गत व्यथा, वो बुरे नहीं बनाता, वो इसको लेता ही नहीं। आखिर में इस प्रसंग में कुछ कह देता हूं, इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं मिलेगा जो किसी का सहारा लेके दिन ना काट रहा हो। जरा ध्यान से सुन लेना मेरी बेटी, मैं फिनिशिंग टच दे रहा हूं भगवान के आज के इस उपदेश को,
कोई भी ऐसी नारी, तो खास करके नारी बेल कहा गया, बेल जैसे सहारे से आगे बढ़ती है, इससे नारी भी कोई ना कोई सहारा लेके आगे बढ़ेगी। बल्कि हर एक इंसान कोई सहारा लेके बढ़ता है, कोई सहारा लेकर जिंदगी के दिन काटता है। सुनो, अच्छा एक बात बताऊं, ना पता हो तो क्या पता, जानकारी कर लो। जब आप किसी का सहारा लेंगे हाँ, तो दिल क्या करता है, ये सहारा बना रहे, क्योंकि मैं इसके लिए सुखकारी हूं और ये मेरे लिए सुखकारी है। सहारा का मतलब तब ही होता है ना मेरी देवी, मेरे सजनों, वो आपके लिए सुखकारी हो, आप उसके लिए तब ही निभती है। तो ये निभ ही रहा है हमेशा, शायद कोई नहीं बता पाएगा कैसे ये निभ ही रहे, इसमें कोई जामन ना लगे, जैसे दूध में जामन लग जाता है तो दही बन जाता है, हमारे प्यार में दही ना बने, खटास ना आए, मिठास ही बनी रहे। हाउ इज इट पॉसिबल, मैं बताता हूं आपको जो भगवान कृष्ण बता रही है। मैं बताता हूं, ए मेरी भोली भाली देवियों, शादी से पहले यह ज्ञान होना चाहिए, पर कोई नहीं देता। संसार में प्रवेश करने से पहले हम पहलवान बन जाए, एक पहलवानी होती है शरीर से, एक पहलवानी है ज्ञान से। ये मन की पहलवानी है, वो तन की पहलवानी होती है। तो हमेशा निभी रहे आप उसके साथ, कैसी होगा, कैसे बनेगा, आप डिपेंड करती है पति पर, तो हमेशा ही वो आपके बने रहे। आप एक दोस्त पे डिपेंड करते हैं, हमेशा ही वो आपका प्यार आपस में बना रहे हैं, हमेशा ही मां का प्यार आपको मिलता रहे जब तक वो जिंदा है, जिसके आप, जिससे आपको बड़ा सुख मिल रहा है बेटी। भगवान कृष्ण एक बात कहती है, जिसपे आप डिपेंड करती हैं, एक दूसरे के लिए सुखकारी बने हुए हो। हां, अब हमेशा ये बने, इसमें खटास ना आने पाए, तो क्या मैं आपको कहूंगा तेरे दोस्त को, दूसरे को नहीं जिस पर आप डिपेंड करती हैं, मैं आपको कह रहा हूं आपके पति को नहीं, मैं आपको कह रहा हूं आपकी पत्नी को नहीं, मैं आपको कह रहा हूं आपकी मां को नहीं, जिसपे आप डिपेंड करती हैं, देखना ध्यान से। हां, पूरा रूपेण अपने आप को उसकी इच्छा के अनुसार बना दो। मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, आप भी उठा लेना, अपने मन में किसी प्रकार की इच्छा न रखो। अगर उसके साथ बनाए रखना चाहते हो, वो आया आपने से छावनी जाएंगे, चलो मुझे 200 रुपए, 200 क्यों, 1000 ले, मेरी जान भी 1000 पकड़। अपनी कोई इच्छा ही नहीं रखो। अगर आपने हमेशा बनाए रखनी पति के साथ, तो आपको भगवान की कसम अपनी इच्छा ही नहीं रखो। आज क्यों तलाक है, आपने अनेक इच्छाएं रखी है। मेरा कोई हक नहीं आपको मना लेने का, मेरा कोई, मैं इस घर से है ही कोई नहीं। ये इच्छा चोट लगी, मन में बेचैनी हुई, तलाक हुआ। अगर प्यार बनाए रखना दोस्त के साथ, उसकी मानते जाओ, उसकी मानो, इसी को प्यार कहती है। अगर आप प्यार कुछ और कहते होंगे तो आपकी गलती, आपकी बेवकूफी, उसका कहना मानो। आप इसको बड़े स्टैंडर्ड पे ले चलो, भक्त और भगवान का प्यार। आपकी कसम, ये कौन सी अवस्था है, भगत अपनी सब प्रकार की इच्छाएं अपने इष्ट देव के चरणों में समर्पित कर देता, कि मेरे प्रभु मेरी कोई इच्छा नहीं, जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए, जो आप करेंगे मैं डीटो करूंगा, मैं यस यस मैन बन जाऊंगा, जो भी कुछ आप करेंगे मैं कहूंगा ठीक है प्रभु, इसी है मेरा भला, इसी है मेरी बेहतरी, इसी है मेरी भलाई। इसी को भक्त कहते हैं मेरी बेटी, जो अपने मन में कोई इच्छा नहीं रखता, भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा समझती है, भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा समझता है, हां वो भगवान का भक्त है। अगर कोई गलतफहमी हो तो दूर कर लो, अगर कोई अपनी इच्छा बना बैठे हो तो बिल्कुल भी नहीं बात बनेगी, आप बिगड़ जाएंगे, प्यार भगवान के साथ ना निभा पाएंगे। जो इंसान करे ख्वाहिशे दिल से दूर, संसार संबंधी ख्वाहिशे सब प्रकार की अगर आप भगवान के चरणों में सौंप देंगे। मास्टर जी फरमाइए, मैं सच कहूं मेरे बेटे, कोई अनुचित इम्प्रॉपर कहता है तो दैट शुड नॉट बी एग्रीड, नहीं मेरे बेटे वो नहीं, वो तो भगवान रोकते हैं। मैं उचित के लिए बात कह रहा हूं, उचित धर्म अनुकूल, वरना प्रभु की नजरों में गिर जाओगे। तो मैं गुजारिश किया चाहता हूं, हम लोग जो भगवान के प्यारे बनकर अपने जीवन के दिन काटना चाहते हैं, अपने जीवन के दिन आप लोग ऐसे दोस्त बना नहीं सकते, चूंकि आप में सतोगुण है, रजोगुणी आपका दोस्त बन ही नहीं सकता।
रजोगुणी सहेली कोई आपकी नवेली कटेली नहीं बन सकती। आप अपने गुण के मुताबिक ही कोई सखी बनाएंगी। हे मेरे स्याने स्याने मास्टर जी, हे मूर्ख बच्चों को स्याना बनाने वाले मास्टर जी, जैसे आप होंगे ना वैसे ही तो है ना। शक्कर खोरे को शक्कर मुझी को टक्कर मिलती है, चाहे मारे सौ को चक्कर। अच्छा बच्चे, मैं आपका दोस्त, मैं आपके साथ। गुड। तो आप भक्ति की बात कीजिए, आप हमारे भगवान के साथ हमेशा भक्ति चलती रहे, अपनी इच्छा सब छोड़ देनी होगी। मेरे घर में ये हो जाए, मेरे घर में वो ना। प्रभु जो आप करें उसी मेरे सर झुका हुआ, जो भी आप करेंगे ये वो अवस्था बन गई। जो दूसरे रहे कितना श्लोक जो हिंसा करे, इसके बाद आपका रब कह रहा है यही गए मकामे वसाले। मेरे दीदार से पहले जीव ये अवस्था बनाता है, उसके बाद मैं एक मेक हो जाता हूं उसके साथ। याद रखना, यही मेरे गुरु ने पढ़ाया, यही मेरी गीता पढ़ा रही है, यही हमारे धर्म आचार्य पढ़ा रहे हैं, यही व्यास जी की उत्तम लेखनी आपको बता रही है। उनके अनुकूल बन जाओ, ये नहीं कि भगवान मेरे अनुकूल बन जाए। ये दुनिया वाले बेवकूफ क्या करते हैं, अपनी कामनाएं रख के मंदिरों गुरुद्वारों तीर्थों पे जाती है, धक्के खाएंगे। कब तक भगवान हां में हां मिलाता जाएगा, कब तक? आखिर में अपनी कामनाओं से उसी तरह गिरेंगे जैसे ऊंट अपने पेशाब से आप ही फिसलता। इसलिए हम लोग जो अपनी भक्ति कमाना चाहते हैं या भगवान के प्यारे बने चाहते, अपनी कोई इच्छा रखते, जो भगवान जी कह रही है वही बुद्धि में, वही मन में, वही कर्मों द्वारा दिखा दे। उन्हीं को उसी तरह आहा और मन में ये मोटे अक्षरों में लिख ले, क्या ना कुछ हम हंस के सीखेंगे ना रो के सीखेंगे, जो कुछ भी सीखेंगे प्रभु के हो के सीखेंगे। और प्रभु कौन बनता है जो अपनी इच्छा नहीं रखता, भगवान की हर इच्छा को अपनी इच्छा समझता है, भगवान की हर घटना को अपनी घटना समझता है। जैसे हमारे क्या प्राचीन भक्तों ने किया, उसी प्रकार हमें भी उनके नक्शे कदम पर बढ़ के अपने जीवन को सफल करना होगा, अपने आप को सफल बना, जैसे मीरा ने किया, जैसे सुखोबाई ने किया, जैसे करमेती बाई ने किया, जैसे गार्गी ने किया, और जैसे 20वीं शताब्दी की रामचंद्र परमहंस की पत्नी शारदा ने किया। मां शारदा कमाल कर दिया, जैसे कबीर जी की घरवाली लोई ने किया। इसी तरह अपनी कोई इच्छा नहीं प्रभु, जो ऐसे जीव निभा लेते हैं। मुझे ग्रंथ साहब की वो वाणी भूल नहीं सकती, जो तुद भाए सोई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। मालिक वही हो जो आपको अच्छा लगता है, वही मुझे अच्छा लगेगा। वह ऐसे जीव जो मालिक की जात में समा के सुखों दुखों दोनों से मुबर्रा हो जाते हैं। इसी अवस्था पर हमारे कृष्ण कह रहे गए, गत व्यथा, वो व्यथाओं तकलीफों से ऊंचा उठ गए, वो बहुत स्टैंडर्ड हाई ले गए। कोई भी घटना घटती है, अच्छा मेरे मालिक, अच्छा मेरे प्रभु, इसी मेरा कल्याण है। कोई घटना घट गई, आपको अनुकूल घटना नजर नहीं आ रही, प्रतिकूल है, पर भी फिर हाथ जोड़ दिए, अच्छा मेरे मालिक, जो आप कर रहे हैं इसमें मेरी बेहतरी, मेरी भलाई। इसे ही कहा जाता है राजी बा रजा। जैसे मालिक ने कर दिया, ठीक है मेरे प्रभु, मेरे परम पिताजी बिल्कुल ठीक। इसके बाद अहम पना खत्म हो जाता है, खुदी रगड़ी जाती है या उसका मूली कुतरा हो जाता। फिर जीव जितने देर रहेगा शांत रहेगा, कईयों को शांति दे जाएगा और भगवान की जात में समा जाएगा। उसका ना जन्म है, ना मरण है, ना आवागमन है, ना रहना है, कुछ नहीं, वो तलीन हो गया, वो मालिक की जात में समा गए मेरी बेटी। ये इसी को भगवान दूसरे अध्याय के फिर उसी बातरे श्लोक में कहते हैं, दमे वापसी भी जो ये ज्ञान को हासिल, उसे ब्रह्म निर्वाण अर्थात आवागमन से छुटती। अगर मेरे से आज इंसाफ नहीं हुआ तो मेरे इष्टे मुझे और ताकत दी, मैं इसको कल फिर प्रकाश डालता हुआ क्लियर करूं। ज्ञात व्यथा, भगवान के भक्तों के क्लेश दूर हो जाती है, भगवान के भक्तों की मुसीबतें बल्कि कहना चाहिए मुसीबतों से ऊपर उठ जाती है, अपने आप को बहुत ऊंचा ले जाती है, या भगवान की उन पर इतनी कृपा हो जाती है कि दुख को दुख ही नहीं समझते, चिंता को चिंता ही नहीं समझते, क्या कमी को कमी नहीं समझ, कमी को कमी समझे दुख हो, या घटना को कुघटना समझे तो मन पर रिएक्शन हो, ठीक है जो मेरे कृष्ण आप कर रहे हैं इसमें मेरी बेहतरी और मेरी भलाई है। इस तरह अपने मन को बुद्धि को दोनों को ऊंचा उठा लेती गए
और घटनाएं शर्मिंदा हो जाती है, घटनाएं अपना सा मुंह लेके रह जाती है। ऐसे जीव सदा एकाग्र, सदा दिव्य प्रेम में भरे रहती हैं, सदा उनके चेहरे हंसमुख रहती हैं, क्योंकि उनको उलट कुछ होने ही नहीं, उनके कोई बात और कोई विचार ही नहीं सिवाय दिव्य प्रेम के। ऐसों के लिए परमात्मा कहती हैं, कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
भवन सुखना सभी संतु निरा सभी भद्रान पश्यंतु माता जी दुर्भाग बने हरिओम शांति 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 ओम प्रभु स्त्री भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इस देव हार्दिक धन्यवाद।